स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के विधानसभा क्षेत्र में एक दुखद घटना में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना इंदौर के शिप्रा थाना क्षेत्र के हतुनिया की है। बताया जा रहा है कि पटवा खेड़ी में रहने वाले 3 बच्चे दानिश, अल्फेज और शाहिद हतुनिया में खुदी खदान में भरे पानी में नहाने के लिए गए थे। इस दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूब गए। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चों को तैरना नहीं आता था। वहीं जब इस बात की सूचना अन्य ग्रामीणों को लगी तो तीनों बच्चों को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन काफी देर हो जाने के कारण तीनों बच्चों को बचाया नहीं जा सका। वहीं जब इस बात की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो क्षेत्र में कोहराम मच गया और बच्चों की डूबने की जानकारी जब स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल सावेर पुलिस और बाणगंगा पुलिस को बच्चों का जल्द PM करवाकर रवाना करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद 1 घंटे के अंतराल में तीनों बच्चों का पोस्टमार्टम हुआ और शव को परिजनों को सौंपा। इस दुखद घटना को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने अपना सावेर दौरा निरस्त कर दिया। सूचना मिली कि वहाँ पानी में नहा रहे थे, तो उस पर क्या एक ही परिवार के बच्चे हैं? सब एक ही? हाँ, एक परिवार के तीनों। क्या नाम है बच्चों के? एक का अल्फेज, एक का शाहिद मोहम्मद, एक का दानिश। क्या उम्र होगी इनकी? एक की होगी 12 साल, एक की 10 साल होगी, एक की 12 होगी, एक की 13-14 होगी। क्या आपस में रिलेशन में ये बच्चे? हाँ। कहाँ की घटना ये? पटवा खेड़ी। वहाँ से सामने देखो एक बच्चा, उन लोग लगे 3 बच्चे डूब गए हैं। वहाँ से निकले, उन बच्चों को बचाने के लिए गए। हाँ, वहाँ से बच्चों ने जैसे बचा, तीनों बच्चे डूब चुके हैं। वहाँ से निकले और भी बच्चे थे क्या वहाँ नहाने में? हाँ थे ना, और बाकी बच्चे थे, वो निकल गए, वही 3 डूब चुके थे। तो क्या इनको तैरना वैरना नहीं आता? नहीं, बच्चे 10 साल 12 साल बच्चे। घर से कितनी दूर आती है खड़ानी है? घर से 1 किलोमीटर है। कहाँ के रहने वाले हैं? पटवा खेड़ी की। कहाँ थे? पटवा खेड़ी के थाने में आती है। रोड से लगाई करीब 50 फीट पे जी छोटी सी खदान है, जो गड्ढे अमूमन रोड भरने के लिए किए जाते हैं। बड़ी कोई खदान नहीं है और उस खदान में रोजाना बच्चे नहाने के लिए जाते थे। आज भी 10-12 बच्चे नहा रहे थे। ये 3 बच्चे उसमें जो हैं 10-12 साल के हैं, थोड़े गहरे पानी में चले गए, उससे डूबने से उनकी मौत हो गई। सर, ये खदान किस क्या माया कहाँ पे आती है? खदान थी या किस तरह से? ये खदान है नहीं, अभी प्रारंभिक जो स्थिति है उसमें ये रोड से जो 50 फीट के अंदर जो छोटे मोटे गड्ढे पड़ते हैं वो वाला है। कोई अधिकृत खदान या किसी को ऐसी कोई जानकारी अभी सामने नहीं है। किस तरह की आगे जांच की जाएगी? क्या इसमें यदि किसी ने जानबूझ के, मतलब किसी ने ऐसा खदान किसी की नीलामी में हो या उसकी यदि लापरवाही सामने आती है, तो जीवन प्रकट करके रखती है। आपका ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।